औरत का चक्कर है बाबू भैया, औरत का चक्कर है, बहुत बेकार होता है। तो गाइज हमारा इंटरनेट भी ना बिल्कुल कमाल की चीज़ है, मतलब किसी को तो कर देगा बिल्कुल रातों रात फेमस और किसी को कर देगा रातों रात बिल्कुल बदनाम। अब इसी बंदे को देख लो, मतलब भाई 2-3 हफ्तों से ये बंदा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे ऐसा छाया पड़ा है, ऐसा छाया पड़ा है कि ये धीरे 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 चल चल के हमारे यूट्यूब पे आ गया है और लोग इसका सच जानने को बिल्कुल बेसब्री से तैयार है। मेरे नीचे इतने कॉमेंट आ रहे हैं, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, तो इतने कमेंट आ रहे हैं कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या है इसका सच, क्या है इसका सच, किसने इसको धोखा दिया या इसने किसको धोखा दिया। भाई इस वीडियो में आपको सब पता चलने वाला है। पहली बात तो आप समझ जाओ कि भाई प्यार का चक्कर है, तो पता है आपको प्यार के चक्कर में क्या होता है, हमेशा लड़का जाता है। अब टाइटैनिक कोई देख लो, टाइटैनिक मूवी तो देखी है ना आपने, उसमें लड़की तो भाई मजे में बाद में अपनी पूरी जिंदगी काट गई, लड़का क्या हुआ, प्यार का चक्कर है बाबू भैया, प्यार का चक्कर है। तो इस लड़के के साथ ऐसा ही हुआ है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा बिल्कुल क्लियर बात कि क्या है इस वीडियो का सच। मेरे साथ जुड़े रहो इस वीडियो के साथ, मतलब जुड़े रहो बिल्कुल लास्ट तक और आ जाओ मेरे पीछे पीछे इस वीडियो को लाइक करके। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के। हाँ तो मेरे भोले भाले भाइयों, आपने इस लड़के को तो जरूर देखा होगा, अगर मान लो पागल को देखा है तो इस लड़के को भी देखा होगा, दोनों एक ही तो है। मतलब सुनने में आ रहा है कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा था, डिसेंट था, स्मार्ट था, ये है वो है, बस बहुत हो गया ठीक है। इस लड़के को तो जरूर देखा होगा। अब एक चीज़ का आंसर दो कि आपने कभी किसी पागल लड़के का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है, मतलब किसी जैसे राह चलते हुए लोग जाते हैं पागल जाते हैं जिन्हें खाना खाना भी नहीं आता, उनसे आप जाके पूछो कि भाई तेरा यूज़र नेम क्या है, उससे पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते, अच्छा नहीं होता उनका तो भाई ये क्या है। देख लो पूरा लास्ट तक देख लो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई पहले था उसके बाद एक लड़के चक्कर में ऐसा हो गया, तो भाई मेरी बात सुनो, अक्टूबर में भी फोटो अपलोड हुई है, नवंबर में भी हुई है, मतलब सारे मिलके हमें काट रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो अक्टूबर में नवंबर में हर जगह इस बंदे की फोटो अपलोड हुई है। तो भाई कैसा 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 क्या चक्कर है, चक्कर मैं बताता हूँ, चक्कर कुछ नहीं है भाई। इस लड़के का और इस लड़के का कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मेरा और 1 मिलियन का कोई कनेक्शन नहीं है ना, मतलब कभी नहीं पहुँच सकती, तो ऐसी इस बंदे का दोनों कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इन दोनों की स्टोरी। अब तरीके सुनो, इस जो लड़के का है आप देख सकते हैं इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर लिख के बता दूंगा या फिर स्क्रीन पर भी लिख के बता दूंगा। बट पहले वीडियो देखो लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, दोनों की स्टोरी जानो अभी ठीक है। पहले बात करते हैं हम इस स्मार्ट से जो है लड़का है इसकी, वैसे स्मार्ट तो मैं भी हूँ, ऐसी कैसी बात हो गई, चलो इसकी बात करते हैं। जो स्मार्ट से लड़का है इसकी बात करते हैं, ये है एक जिम का ट्रेनर ठीक है, यहाँ पर आप दिखाता हूँ, यह है एक जिम का ट्रेनर, आप इसकी सारी फोटोज़ देख सकते हो, अक्टूबर में नवंबर में अप्रैल में हर महीने भाई फोटो अपलोड करता जा रहा है। और अब पता क्यों नहीं कर रहा कि सोच रहा है कि भाई थोड़ा 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 और फेमस हो, थोड़ा और फेमस हो जाऊँ उसके बाद अपनी फोटो अपलोड करूँगा। भाई बिल्कुल भी फॉलो मत करो, मतलब कितना फेमस करोगे यार इसे, मेरी एक वीडियो तो तुम लाइक करते हो, उन्हीं बंदों को फेमस कराया जा रहा हो ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, सड़क की स्टोरी क्या है, जिम का एक ट्रेनर है ठीक है, यहाँ बात तो होगी ख़त्म। इस बंदे का इस पागल से कोई कनेक्शन नहीं है, जिसे कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है, जैसे मेरी शाहरुख खान से मिलती है, ऐसी ऐसी इस बंदे की इससे थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है। इसने फोटो इसने इस पागल के साथ करा डू इट, और डू इट करने के बाद भाई लोग हो तो ये है वो है, भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया ऐसा हो गया, भाई कुछ नहीं हुआ, बस एक वो था एक ट्रिक थी उसकी मदद से फेमस हो गया और कुछ भी नहीं है। चलेगा कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं इस पागल आशिक पे, भाई पागल कहना अच्छा नहीं लगता, आशिक बोलेंगे इस बंदे को। इस आ जाते हैं इस आशिक पे ठीक है। इस आशिक की क्या स्टोरी, इस आशिक की स्टोरी ये है कि आपने हमेशा देखा हो कि अपने घर के पास एक ना एक पागल रहता है, तो ठीक है एक ऐसा लड़का था उसने इस बंदे की फोटो मतलब सॉरी वीडियो बना के अपलोड कर दी इंटरनेट पे और कोई सैड सा गाना लगा दिया, तो भाई हरकतें थोड़ी बहुत ऐसी कर रहा था और लोग ये समझ बैठे कि भाई ये प्यार में हो गया बिल्कुल पागल। तो भाई ऐसा नहीं है, शुरू से पागल था, मतलब शुरू से आशिक था, ऐसा ही था बिल्कुल था, और इसका कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन है लड़के से। और बात करते हैं इसकी, एक लड़के ने अपनी इसकी वीडियो डाली। अब आपको तो पता ही है भाई अपने अंदर कीड़ा है, जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ कि भाई जेब फट जाती है, देख लो मेरे पेट भी बिल्कुल यहाँ तक हो गया, इतनी जेब फट चुकी है मेरी ठीक है। तो अब बात करते हैं इस बंदे की वीडियो की, देखो मैं इतनी इंफॉर्मेशन लाया हूँ कि मैं आपको वो भी बंदा दिखा दूंगा जिस बंदे ने इसको वायरल करा, इस पागल को वायरल करा ठीक है। वैसे वायरल करने वाली अच्छी बात है क्योंकि थोड़े जो लोग हैं अब इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी मैं अच्छी बात मानूंगा ठीक है, ये कोई मजाक नहीं सच में यार, थोड़ा बहुत तो दिल है अपने अंदर ठीक है। तो अब बात करते हैं पागल लड़के की, तो यहाँ पर ये लड़का था, एक काम करते हैं पहले हम देखते हैं वीडियो जिस लड़के ने इस पागल की वीडियो डाली अपलोड करी, और वो बाद में खुद बोल रहा है कि भाई ऐसा उस बंदे को कनेक्ट मत करो क्योंकि इनका दोस्तों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वायरल हो गई बट इनके दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे घर के बाहर बैठता था, हमेशा बैठता है, अभी भी बैठता है, आप
टिकटॉक का भी मैं यूजर नेम दे दूंगा, आप उस बंदे की सारी वीडियोस देख सकते हो, बट उसको भी फॉलो मत करो। मतलब मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मतलब खामखा लोग फेमस हो जा रहे हैं। इस वीडियो को पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो यार। इस वीडियो को मतलब बना रहा हूँ मैं तो अपनी मेहनत से बना रहा हूँ यार। ये बंदे ऐसे फेमस कर रहे हो तुम, पहले वीडियो देखते हैं ठीक है। ओके हेलो गाइस, आप लोगों ने जिसका फेक वीडियो वायरल किया वो ये लड़का नहीं है, वो पवन है, वो अलग है और ये अलग है। ये सच में पागल है, बेचारा बहुत अच्छा है और ये किसी लड़की को बुरा बोलता रहता है। आई थिंक ये बात सही है कि किसी लड़की के प्यार में धोखे में ये इसका ऐसा हाल हुआ है, बट ये बिल्कुल गलत बात है कि ये वो लड़का है वो नहीं है, ये सच में पागल है और अभी भी है। होशंगाबाद MP में रहता है और मैं आप लोग को इससे मिलवाता हूँ। आइए, आप कब से हो यहाँ पे? आपकी वीडियो वायरल। आपका नाम क्या है भैया? घर के बाहर कोई पागल बैठा हो ना, उसकी वीडियो बनाकर डाल दो भाई, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, सच्ची बता रहा हूँ। तो देख लिया आपने वीडियो, अब आपको पता चले गया बिल्कुल सच, इन दोनों का कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। बात तो भाई रिएक्ट वेट करना सब बंद करो, सब बेकार की चीज़ें है भाई। अगर करना ही है ना तो करो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो जितना आपको करना है, बिल्कुल वीडियो बनाइए, फाड़ वीडियो बनाइए, चैनल को करो सब्सक्राइब और क्या होता है, कोई कमेंट कर दो प्यारा सा यार। मतलब नफरत ही करते रहोगे, प्यार भी करोगे अभी। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, इसी के साथ मेरा ही प्यार के इंस्टाग्राम पे कर लो मुझे फॉलो और फिर मिलेंगे चलते चलते। Do whatever you want to do, man, but don't trouble your mother, man. Bye. You love the attention.